हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एग्जाम पर स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, तो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन, देखते हैं सर क्या है क्वेश्चन आज हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम मिलते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है आपका, तो क्वेश्चन नंबर वन में बात जो की जा रही है वो ये है कि डक्टिलिटी के बारे में बात की जा रही है। डक्टिलिटी डिपेंड्स ऑन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करने वाली है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो पहले यहाँ पर आपका 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, फिर कौन कौन सा यहाँ पर करेक्ट है वो आपका ट्रू है वो पूछा गया है। तो अगर मैं बात करता हूँ टेम्परेचर के बारे में, तो दोस्त ध्यान रखिएगा, जो डक्टिलिटी का बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। कैसे, मैंने आपको बताया था, एक होता है आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात अगर मैं करता हूँ, तो इस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो आपका ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल, वो भी आपका डक्टाइल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आया आपका सही है। अब साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड अप्लाइड लोडिंग टाइम। तो जैसे जैसे आप अप्लाइड लोडिंग टाइम बढ़ाते चले जाएंगे, तो जो आपका डक्टिलिटी स्ट्रेन आपका बढ़ता चला जाएगा, बात में ही नहीं, तो डक्टिलिटी आपका ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो थर्ड आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं अगर सेकंड ऑप्शन की ये बात करता हूँ, साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, तो साइज ऑफ द स्ट्रक्चर के केस में ध्यान रखेगा, जितना स्ट्रक्चर बड़ा होगा उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वहां पर अगर कभी फेलियर हो तो सडन फेलियर ना हो। तो बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो आपको हाई डक्टिलिटी इंश्योर करना पड़ता है, बात समझ रही है? तो साइज ऑफ द स्ट्रक्चर का मतलब समझ पा रहे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, टू एंश्योर हाई डक्टिलिटी, हाई डक्टिलिटी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट भी आपका करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। सो फॉर दिस क्वेश्चन मिल लेते हैं एक बार कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर, बात समझ में। तो ये आपका पीडब्ल्यूडी में एक पीडब्ल्यूडी का एग्जाम होता, ठीक है, 2017 का। ठीक, तो ये एक स्टूडेंट ने एक्चुअली पेपर क्वेश्चन पेपर भेजते हैं सर, ये क्वेश्चन ये एग्जाम अभी मतलब ये हुए थे एग्जाम, तो अवेलेबल हो स्टूडेंट के पास, तो वही मैं क्वेश्चन आपसे सर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसे हमें कोई जो करंट में एग्जाम चलते रहते हैं, तो आप उनके हमें क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसी तरीके से क्वेश्चन आपके डिस्कस करते रहा करेंगे। अभी जैसे आपका जेपीएससी का एग्जाम था, तो मैं सारे सारे क्वेश्चन आपका धीरे धीरे करके लेकर के आता रहूंगा। ठीक है, तो एक बार आपको ये जरूर बता देना कि क्लास कंप्लीट होने के बाद कैसी क्लास आपको लगी, क्या आपका क्या कुछ और नया इंप्रूवमेंट करना चाहिए हमें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा क्या कहता है, तो दोस्त ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड महाआसान क्वेश्चन है। महाआसान क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है फॉर अ बीम हैविंग क्रॉस सेक्शन एस टी, तो टी क्रॉस सेक्शन के ऊपर बात की जा रही है। विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो टी सेक्शन के ऊपर यहाँ पर बातचीत चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखिए ध्यान से पढ़िएगा, तो ये आपका वो टी सेक्शन ऐसा रहने वाला, ये आपका टी सेक्शन रहने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, शियर स्ट्रेस वेरिएशन पैराबोलिक बिलो न्यूट्रल एक्सिस एंड नॉर्मल स्ट्रेस इज लीनियर बिलो न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से बात की जाए, तो ये तो आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सीधा आपका गलत हो जाएगा। बहुत शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस लीनियर होते हैं दोस्त। अगर नॉर्मल स्ट्रेस की बात ऊपर बात करता हूँ, तो मैं मान भी सकता हूँ वो तो लीनियर आपका होगा, लेकिन जो शियर स्ट्रेस है वो लीनियर नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस पैराबोलिक बिलो, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, शियर स्ट्रेस वेरिएशन इज पैराबोलिक बिलो न्यूट्रल एक्सिस एंड एंड नॉर्मल स्ट्रेस लीनियर बिलो न्यूट्रल, बहुत शियर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस पैराबोलिक अलोंग द क्रॉस सेक्शन। तो जो यहाँ पे मुझे आंसर लग रहा है वो मुझे एक ये आंसर लग रहा है। ठीक है, वैसे सारे ऑप्शन कुछ टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट टाइम से पढ़िएगा तो आपको ये आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। एक बार देखिए क्वेश्चन ध्यान से, बात समझ में नहीं। अब जैसे यहाँ पे आपकी यहाँ बात की जा रही है, अब जैसे कोई स्टूडेंट यहाँ बात करता है सर एक्चुअली में, तो आपका जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है भाई, टो बराबर VAy बार अपन IBSR ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वेट जो है ये बड़ा है, तो यहाँ पर आपका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेस वेरिएशन। बात सही में है कि नहीं है? अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसके बारे में, नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में, तो ऐसा हो जाएगा, बात सही में, ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल, या यहाँ पर मुझे ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल स्ट्रेस की बात है बेंडिंग स्ट्रेस मान के कर रहा होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर आंसर किया है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ए इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी जब एग्जाम में क्वेश्चन बन जाया करता है, तो ये देखना पड़ता है दोस्त कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोई डाउट नहीं चाहिए यार। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरा क्या कहता है, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, देखो ध्यान से पढ़ो, मतलब सब आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगेगी जो आपको ना पढ़ाई गई हो, ठीक है। आप अपने आप बोल सकते हो सर ये तो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरा क्या बोलता है, तो दोस्त क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो देखिएगा जरा, द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सर आपने बताया था जी से डिनोट करते हैं क्या, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो आपका ई से डिनोट करते हैं, तो इनका जो रेशियो होगा जी बाई ई फोर एंड इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल का मतलब क्या बताया था, ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज इन दोनों डायरेक्शन बताया था क्या, ठीक है, ये क्या था आपका सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, ये बताया गया था। जब जी बाई ई का रेशियो आपसे पूछा गया है तो एक रिलेशन क्या आप जानते हैं, आप तो सारे रिलेशन जानते हैं, तो एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा जी बराबर ई अपॉन टू वन प्लस म्यू, ठीक है, जी बराबर ई अपॉन टू वन प्लस का म्यू, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल की अगर मैं बात करता हूँ, फॉर मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल जो आपका पॉइजन रेशियो का वैल्यू है वो वेरी क्या करता है, 0 to 0.5 के बीच में, 0 to 0.5 के बीच में वेरी करने वाला है क्या, तो अगर मैं जीरो डालता हूँ तो यहाँ पर जी बाई ई, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर डाला जीरो, तो जीरो डालने के बाद देखिएगा यहाँ पर जीरो डालोगे तो ये ई बाई टू हो जाएगा, जब 0.5 डालोगे तो ये 0.5, ये 1.5, ये 3 हो जाएगा, तो ये आपका 1/2 से लेकर के 1/3 के बीच में वेरी करने वाला आएगा, बात समझ के नहीं है। तो मतलब अब यहाँ पे आप आंसर देखिएगा एक बार क्या क्या ऑप्शन है, लेस देन 1.1/2, मतलब ए 1/2 0.33 से लेकर के 0.5 के बीच में आपका आंसर रहने वाला है इनका रेशियो, ये बात आपके समझ में आए, ठीक। अब लेस देन 1.1/2 सही आ रही है बात दोस्त, 0.33 से ये आपका सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सारे पढ़ने, ऐसा नहीं समझना है कि ऑप्शन नंबर ए तो आगे बढ़ जाओ, बात समझ में कि नहीं, गलती हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अब लेस देन 1/3 दोस्त, 1/3 से कम पे, मतलब 0.33 से कम पे जा रहा है, ये तो ऑप्शन आपका कभी नहीं होगा, क्योंकि जो आपका वैल्यू है वो किसी से बीच में रहने वाला है, 1/3, 1/2 to 1/3 ऐसा रहने वाला है, इसके बीच में वैरी क्या करेगा, ठीक है, जी बाई ई का रेशियो किसी से बीच में वैरी करने वाला है, इनके बीच में वैरी करने वाला है, तो ध्यान रखेगा इस बात को बड़े ध्यान से। अब मोर देन 1/3 लेकिन लेस देन तो 1/2 है, बात समझ में नहीं है, तो डी इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बोलो कोई डाउट हो तो। और आपको और भी रिलेशन आपको पता है, ठीक है, जैसे आपको बल्क मॉडुलस का आपको पता है कि सर क्या होता है, के बराबर ई अपॉन थ्री वन माइनस का टू म्यू भी होता है, ठीक है, और एक आपका आपने पढ़ा होगा ई बराबर 9 kg अपॉन 3 k प्लस जी, ठीक, और ई एक आपका और रिलेशन होता है वो आपके आगे डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है तो किसी को बताओ जरा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कोई डाउट है या नहीं है, तो आपको मन में सोचना है कि है तो बताना है कमेंट करके, नहीं है तो फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। कोई डाउट अगर आपको आता है कमेंट में बताइएगा जरूर कि सर हमें डाउट आ रहा है कुछ भी, तो उसके बारे में समाधान फिर अगली क्लास में सोचा जाएगा। तो दोस्त क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन के बारे में क्या बात की जा रही है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो एक बार क्वेश्चन फटाफट ध्यान से पढ़िएगा क्या क्वेश्चन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करने का, ठीक है, कम टाइम में अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं, तो आंसर कीजिएगा फटाफट, क्या आंसर रहने वाला है आपके हिसाब से, क्या आंसर होना चाहिए था, ये ऑप्शन आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, ठीक, ये ऐसा, ठीक है, ये आपका ऐसा क्वेश्चन रहने वाला है, इफ ई जी के एंड यू रिप्रेजेंट द इलास्टिक मॉडुलस बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो रेस्पेक्टिवली ऑफ अ लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटीरियल एंड इफ यू नीड टू एक्सप्रेस द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कम्प्लीटली फॉर दिस मटीरियल एटलीस्ट, ठीक है। तो दोस्त स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे आपसे बात की जा रही है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, तो किस तरह से हम एक्सप्रेस किया करेंगे, तो देखो यहाँ पे कुछ बात ध्यान रखेगा। अब देखो मैं कुछ यहाँ पे बात बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट वो समझ रहे हैं सर नया क्वेश्चन आ गया है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ा हुआ है, अभी आप ही बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा था, हम तो वैसे ही डर जाते हैं, ठीक है, डर के आगे जीत है। तो देखिएगा जरा मैं यहाँ पे बात करता हूँ, कुछ ध्यान समझिएगा जरा, एक अभी मैंने पहले एक रिलेशन लिखा था कि जी इक्वल्स टू ई अपोन टू वन प्लस का म्यू, ये रिलेशन आप जानते हैं सर, ये तो हम जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान रिलेशन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ठीक।
अब यहाँ पे जो जी रहने वाला ये क्या रहने वाला है, मोडुलस ऑफ रिजिडिटी रहने वाला है, ये ई क्या रहने वाला है, मोडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहने वाला है, ये म्यू का रहने वाला है, ये म्यू रहने वाला है आपका पॉइसन रेशियो। एक रिलेशन और आप जानते हैं वो आपका हुआ करता है, डेट इज द के बराबर ई अपॉन थ्री वन माइनस का टू म्यू, ये भी आप जानते हैं क्या, ये भी सर हम तो ये भी जानते हैं ठीक है। तो यहाँ पर ये जो के होगा ये हुआ करेगा आपका क्या, डेट इज द बल्क मोडुलस, क्या होता है ये आपका बल्क मोडुलस, सब बात आपको पता है बल्क मोडुलस ठीक है। अब यहाँ पे ये जो E मैं आपको बता चुका हूँ, U आपको बता चुका हूँ, तो कुल मिलाकर के अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ, अगर मैं कुल मिलाकर के ऑब्जर्व करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितना अननोन है, मेरे पास कितना अननोन, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स कितना रहने वाला है, अननोन्स, तो सर नंबर ऑफ अननोन्स मेरे पास रहने वाला है जो मुझे अभी ये मानो मुझे पता नहीं है, एक तो मुझे यहाँ पर ये जी के बारे में जानकारी नहीं है, एक मेरे म्यू के ई के बारे में, एक मेरे म्यू के बारे में और मेरे के बारे में क्या, तो एक तो मुझे जी नहीं पता है, एक मुझे ई नहीं पता है और एक मुझे के नहीं पता है और एक मुझे म्यू नहीं पता है, ये चार बातें मैं नहीं जानता ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं, फोर नंबर्स, फोर नंबर्स ठीक। अब एक्चुअल में यहां पर देखेगा, अब यहां पे ये अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर वन नाम देता हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर टू नाम देता हूं, तो कितनी आपके पास इक्वेशन पता है ठीक है, दो इक्वेशन पता है, कितनी इक्वेशन पता है, दो इक्वेशन पता है, कितनी पता नहीं है। अब जब दोस्त आपके पास चार आपको अननोन पता लगाना था जिसमें से दो इक्वेशन आपको पता है, तो कितना और पता लगाना पड़ेगा, दो और पता लगाना पड़ेगा, दो और पता लगाना पड़ेगा, बात समझ में आई कि नहीं ठीक है। तो अगर आपको दो और पता लग जाए तो आपका काम बन जाएगा क्या, भाई आपके पास चार यहां पर अननोन थे, चार में से दो आपके पास इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन है, तो जितने अननोन होते हैं ठीक है, जैसे मान लो आपके पास दो इक्वेशन है तो उन दो इक्वेशन के हिसाब से आप दो अननोन पता लगा पाओगे, लेकिन यहां पर जब आपके पास चार अननोन है तो आपको चार इक्वेशन चाहिएगा क्या ठीक है। अब चार आपके पास अननोन है, दो इक्वेशन आपको पता है वन एंड टू ठीक, अब कितने नहीं पता, वो दो नहीं पता, उन्हें पता लगाना पड़ेगा क्या, तो एनी टू ऑफ द फोर मस्ट बी नो, बात समझ में कि नहीं है, तो दो और आपको पता लगाना होना चाहिए, इस तरीके से आपको अप्रोच रखना है फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार कमेंट में बताइएगा जरूर यार कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे ठीक है। देखो आसान कुछ क्वेश्चन में था, सब चीजें आपको पढ़ाई गई थी, ऐसा आप नहीं बोल सकते सर ये मैंने नहीं पढ़ा या ये मुझे नहीं आता, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा क्वेश्चन में क्या क्या बातें की जा रही है, महा आसान सवाल, क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा दोस्त, क्या आंसर रहने वाला। ए डिफॉर्म्ड बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्सेस सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन विद रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम ठीक है, ये आपका पीडब्ल्यूडी में आया हुआ है, और भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ कंबाइंड ठीक है। अभी ऐसा नहीं मानना है कि सर देखिए अब सारे सारे क्वेश्चन में अलग अलग सेट में इससे बनाए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूंगा मैं ठीक है, फटाफट आंसर कीजिएगा। तो दोस्त यहाँ पर आपको जो जो बातें ध्यान रखनी है ठीक है, तो पहली बात आपको यहाँ पर यह की जा रही है कि एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बातचीत की जा रही है, क्या बात की जा रही है, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ, एक आपका होता है क्या, आपके दो तरीके के इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कराने पड़ते हैं ठीक है, फोर एनी स्ट्रक्चर और एनी स्ट्रक्चर टू बी इन इक्विलिब्रियम, टू बी इन इक्विलिब्रियम, जब कोई स्ट्रक्चर आपकी इक्विलिब्रियम में होगी तो उसके लिए आपके पास दो इक्विलिब्रियम होना जरूरी है ठीक है। वो दो इक्विलिब्रियम कौन कौन सा रहने वाला है, फर्स्ट विल बी फोर्थ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड विल बी मोमेंट इक्विलिब्रियम, क्या पढ़ाया था, क्या आपको पढ़ाया था दोस्त, बात समझ आई कि नहीं है। अब फोर्थ इक्विलिब्रियम क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द ठीक है वर्टिकल फोर्स बराबर जीरो, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर जीरो, ये क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एच बराबर जीरो, समेशन ऑफ एफ पी बराबर जीरो, सर ये तो हमें पता है, ये तो बड़ी आसान सी बात थी। और जब मोमेंट रहने वाला है किसी पॉइंट का आप अबाउट मोमेंट ले सकते हैं, समेशन एम नोट बराबर जीरो, बात समझ में कि नहीं। अब देखो
ये जो आपका फोर्स इक्विलिब्रियम है, अगर आपका फोर्स इक्विलिब्रियम आपका सेटिस्फाई हो जाता है, इस बात का मतलब ये नहीं होता कि स्ट्रक्चर आपकी इक्विलिब्रियम में है। अब आपको वो एक नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशियंट कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये जो है ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है। अगर आप नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन के ऊपर बात करेंगे तो दोनों की दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब नेसेसरी कंडीशन कौन सा है, फोर्स इक्विलिब्रियम है। नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन के ऊपर बात करता हूं तो फोर्स इक्विलिब्रियम पहले सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके बाद मेरा मोमेंट इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? किसी स्ट्रक्चर में अगर आपका फोर्स इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रहा है और मोमेंट इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई नहीं है तो आप ये नहीं बोल सकते कि स्ट्रक्चर आपका इक्विलिब्रियम में हो। कोई डाउट किसी को, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपकी क्या है, ठीक है, अगर आपका जो स्ट्रक्चर है इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए, ठीक है, बोथ बोथ फोर्स एंड मोमेंट इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड। अरे बात सही माई के नहीं है, क्या कहना चाह रहा हूँ बोलो, कोई डाउट होता था तो ये ध्यान रखिएगा बात। यार एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था कभी, आपको ध्यान हुआ तो, इस पे मैंने याद है क्वेश्चन कराया था मैंने, ठीक है। अब ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। अब आपका मतलब फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। अब ये आपका नेसेसरी कंडीशन बताया, ये आपका नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, ये सफिशियंट के ऊपर काम करेगा, बात समझ में नहीं है? तो नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम दोनों की दोनों आपकी रहने वाले, अगर आपका दोनों को दोनों सेटिस्फाई है और दोनों को दोनों आपका लिखा हुआ है। तो फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बोले बोलेगा कोई डाउट है अगर आपको तो। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं तो दोस्त आगे देखिएगा जरा, महाआसान सवाल। क्वेश्चन को देख के देखो, पहली बार डरना नहीं है कि सर ये तो ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि मुझे डर लगने लगा है, डर डर के आगे जीत है, बताया होगा आपको। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान सवाल है, इससे आसान कुछ भी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है बताता हूं मैं आपको। द पोजिशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम सपोर्ट विद रिएक्शन आर ए फॉर द बीम। पहले भी आपके 17 क्वेश्चन थे, आपका 16 क्वेश्चन, अभी आगे भी आएंगे, डीएमआरसी क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ, अभी देखिएगा आगे, ठीक है, फटाफट फटाफट। अब देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि ये जो आपकी लोडिंग दी गई है किलो न्यूटन, ये आपको यहाँ पर 0.8 किलो न्यूटन ये वाला दिया हुआ है, ये 1.6 दिया हुआ है, ठीक। अब ये यहाँ पर देखिएगा, ये छोटा छोटा लिखा हुआ है कि ये एक 2.67 और ये आपका 3.33, तो ये एग्जाम में भी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, हमने कोई अलग से यहाँ पर लगाने दिया है। एग्जाम में भी जब भी आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है तो ये आपको मान कर काम करना है कि सर वो जो मेरा इक्वेशन लिखा हुआ है इस तरीके से, वो मेरा रिएक्शन से रिएक्शन ही रहने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या रहने वाला है? ये आपको रिएक्शन ही दे दिया गया है। क्या दिया हुआ है? डेट इज द रिएक्शन गिवन टू यू, ठीक है। तो ये जब आपको रिएक्शन दे दिया गया है तो अब यहाँ पे खास बात समझिएगा, खास बात क्या रहने वाली है। अब अगर आप, अब ऑप्शन आपको देखने पहले, तो दोस्त यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके अलग अलग है, ये वाला देखो जरा ध्यान से। तो अगर आप एक निकाल लो तो सही आपका काम बन जाएगा, आसान से, मतलब आसानी से, बात समझ में कि नहीं? तो अगर मैं सपोर्ट नंबर ए से, अगर मैं इसे सपोर्ट नंबर ए नाम देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ भी है और ये बी है, तो अगर मैं सपोर्ट नंबर ए से एक्स दूरी पर चला तो एक्स दूरी में कितना चेंज, तो ये चेंज मेरा रहने वाला है, ये मेरा क्या हो जाएगा, करेगा देखेगा जरा कैसा लिखता हूँ मैं, 0.8, ये वाला 0.8 प्लस, ठीक है, 0.8x डिवाइडेड बाय 5। अरे ये बात सही में आई कि नहीं है? लो अब बात समझ पाए कि नहीं पाए? तो ये आपका इसका ऑर्डिनेट आपका हो जाएगा इस पोजीशन पर, एक्स लोकेशन पर ये ऑर्डिनेट आपका रहने वाला है, ठीक है। तो इसे थोड़ा और मॉडिफाई करके अगर मैं लिख लेता हूँ तो वो मेरा ऐसा बन जाएगा, करेगा 0.8 प्लस 0.16x। बोलो यहां तक अगर किसी कोई डाउट है तो। महासान सवाल है यार, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। अब ये जो x दूरी पर मैंने यहाँ पर ये सेक्शन लिया है, ये एक्स एक्स, अगर मैं इसे नाम दे देता हूँ कि सर ये मेरा सेक्शन एक्स एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर शीयर फोर्स निकालता हूँ, ठीक है, समेशन ऑफ शीयर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स, अगर उसे मैं जीरो इक्वेट कर देता हूँ, मेरा काम बन जाएगा क्या? मेरा काम बन जाएगा। तो देखिएगा जरा, अब ये आपका अपवर्ड जा रहा है, ये आपका अपवर्ड जा रहा है क्या, ठीक है। तो नेट आपका यहाँ डाउनवर्ड, यह आपका पॉजिटिव होगा क्या? तो 2.67। बताइएगा, जिसकी जो बात समझ में ना आए वो मुझे बताना है कमेंट करके, ठीक है।
तो ये आपका अपवर्ड हो गया, क्या अपवर्ड हो गया। उसके बाद अब ये जो आपका ये वाला वैल्यू होता है, ये वाला अब इसका ले लो, ठीक, ये डाउनवर्ड जा रहा है क्या, और ये आपका सेक्शन के राइट साइड में अपवर्ड चला जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा क्या। ये नेगेटिव में मैं कैसे लिखूंगा देखिए जरा, तो ये आपका ट्रिपोजॉइडल बनने वाला है, तो 1/2 × ये वाला 0.8 प्लस, अब ये वाला हो जाएगा क्या 0.8 प्लस 0.16x इंटू ये वाला x हो जाएगा क्या। अब उसे मैं बराबर जीरो के इक्वेट कर देता हूँ क्या, जीरो के इक्वेट कर देता हूँ। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.34 बराबर 1.6। पेन कॉपी लेकर के बैठो यार, पेन कॉपी लेकर के बैठना है, ऐसा नहीं समझना है सर देख हम तो देख करके काम चला लेंगे, ठीक है। तो पेन कॉपी लेकर के बैठना है, ऐसा नहीं समझना है कि हम तो ऐसे ही काम चला लेंगे, ठीक। तो बात करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमारी बात चल रही थी इस तरीके से, अब ये हमारा हो गया, अब इसके बाद ये मेरा हो जाएगा 0.16x² प्लस के 1.6x माइनस के 5.34 बराबर जीरो, ठीक। अब ये आपके ऐसी कहानी जाने वाली है, अब यहाँ से आप x का वैल्यू अगर निकालिएगा तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा x बराबर 2.64 मीटर के करीब आपका आंसर हो जाएगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन देखिएगा बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है क्या कहना चाह रहा हूँ, आसान सवाल था क्या, आसान था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। कोई डाउट किसी को, ध्यान रखिएगा बातें सारी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, महासान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, सिंपल अप्रोच आपको लगाना था और अपना काम बना लेना था। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, महाआसान सवाल है ये भी, कुछ भी नहीं है सवाल में, ठीक है। तो इन अ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम लोडेड ट्रांसवर्सली, ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोडिंग क्या हुआ, कैसा किया गया होगा, ऐसा होगा, मान लो ये आपका बीम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ऐसा आपका लोडिंग अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस अकर्स है। दोस्त अगर मैं इसका जो शेप दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो जो डिफ्रेक्टेड शेप होगा वो ऐसा होगा क्या, सर ये ऐसा हो जाएगा, टॉप में कॉम्प्रेशन हो जाएगा, बॉटम में टेंशन हो जाएगा। अब जब टेंशन की बात चल रही है, अब यहाँ पे आपका बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर काम मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। अब बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम रहने वाला है, ये क्या रहने वाला है, दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। ये टॉप फाइबर जो होगा वो कंप्रेशन में है क्या, तो यहां पे आपका क्या हो जाया करेगा, कंप्रेशन हो जाया करेगा क्या, सिग्मा सी, सिग्मा कंप्रेशन, सिग्मा सी। ये बॉटम वाला फाइबर है, ये आपका टेंशन में है, आपका किस में है, सर ये हमारा टेंशन में है, तो ये हो जाया करेगा सिग्मा टी, ठीक। तो अब यहाँ पे आपसे पूछी गई है मैक्सिमम टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाया करेगा बॉटम फाइबर पे हो जाया करेगा क्या, ये आपका बॉटम वाला फाइबर है, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस रहने वाली है। बोलो कोई डाउट किसी को हो तो, ठीक है, मैक्सिमम टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस रहने वाली है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, फॉर दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ेगा, महासान क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आसान क्यों है, क्योंकि आपको आता है, मुझे पता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा फिर उसके बाद आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन में क्या खास बात की जा रही है। तो दोस्त क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो देखिएगा जरा, ए थिन प्लेट हैविंग स्ट्रेस कंपोनेंट एस सिग्मा एक्स आपको दिया हुआ है 40 MPa, सिग्मा वाई माइनस के 20 MPa एंड टाउ एक्स वाई 10 MPa, व्हाट विल बी द यील्ड स्ट्रेंथ इन सिंपल टेंशन एज पर, ये आपका माइसेस क्राइटेरिया का मतलब है, वोन माइसेस क्राइटेरिया, वोन माइसेस क्राइटेरिया, वोन माइसेस थ्योरी, ठीक है। तो ये आपकी क्या रहने वाली है, ये आपको बताई गई होगी कि सर ये हमारी हुआ करती है, डेट इज मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी, कुछ पढ़ा था क्या,
डिस्टोर्शन एनर्जी, क्योंकि कुछ याद आया कि नहीं आया, तो वो सर आपने ये बताया था कि 1/12g ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर वो हुआ करता है लेस देन इक्वल टू एफ आई स्क्वायर बाय 2g। या मैं इसे ऐसा ही तो लिख सकता हूँ क्या कि सर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन 16 में आया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 2, ये आपका 6g होता है, यहाँ पर सॉरी 6g होता है, ये 2fy2। ये आपको वैल्यू याद होगी, ये सीधा फॉर्मूला आपको याद होगा, अच्छी बात है, समय बचेगा। ठीक, अब आगे के ऊपर बात कर रहे थे। अब यहाँ पे मुझे इसके ऊपर काम करना है, मुझे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पे निकालना है दोस्त व्हाट विल बी द यील्ड स्ट्रेंथ इन सिंपल टेंशन। तो ये जो एफ वाई का वैल्यू है एक्चुअल में मुझे ये फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ये एफ वाई का वैल्यू। तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस रहने वाला है क्या। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर आपका सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा वाई दिया हुआ है एंड टाउ एक्स वाई दिया हुआ है। तो ये आपका क्या रहने वाला है, ये आपकी रहने वाली है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन रहने वाली है, क्या बताई थी आपको याद होगी। तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के केस में केवल आपका कौन कौन सा एक आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा, एक माइनर। तो ये जो सिग्मा थ्री वाला टर्म है आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बात समझ में कि नहीं आई, बोलो कोई डाउट किसी को हो तो। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर सिग्मा मैक्स ओब्लिक सिग्मा मिनिमम का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा फॉर्मूला याद है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ये होता है क्या सर, यही फॉर्मूला होता है, याद आ गया। ठीक है, चलो सिग्मा मैक्स ओब्लिक सिग्मा मिनिमम, यार पेन को भी साथ में लेकर के बैठने तो फिर ये बोलोगे कि सर मजा नहीं आना, सर ये हो रहा है वो हो रहा है, पेन को भी लेकर के बैठे हो तभी मजा आएगा, सीधी बात मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो मजा नहीं आने वाला। ठीक है, अब ये 40 माइनस 20 बाय 2, ये नेगेटिव साइन का ध्यान रखिएगा दोस्त, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या वैल्यू रहने वाली है, वैल्यू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 और 20 60 का आधा 30, तो ये आपका हो जाएगा 30 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये टाउ एक्स आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 एम्पीयर दिया हुआ है, तो ये प्लस 10 का होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा क्या, तो ये सिग्मा मैक्स का वैल्यू आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा करेगा, डेट इज 41, ठीक है 41.62 MPa, और ये सिग्मा मिनिमम का वैल्यू यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा करेगा, डेट इज माइनस का 21.622 MPa। तो ये हो गया आपका सिग्मा वन हो गया, ये आपका सिग्मा टू हो गया। अब ये सिग्मा वन का वैल्यू आप डालेंगे कितना, 41.62, एंड ये सिग्मा टू का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा क्या, अरे बात समझ कि नहीं, तो ये माइनस लिख देता हूँ यहाँ पर 21.622। पूरी तरीके से यहाँ पर वैल्यू डालेगा कितना, माइनस माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा 21.622, और यहाँ पर भी क्या डालेंगे, सिग्मा वन का वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू है डेट इज 41.62। तो यहाँ से जो आपका एफ वाई का वैल्यू आएगा वो आपका आंसर आने वाला है डेट इज 55.67 MPa। बोलो कोई डाउट हो तो, अरे निकम्मो कोई डाउट है क्या बताओ, तो 55.67 MPa इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज है इसलिए थोड़ा संभले काम करिएगा, बोलो कोई डाउट है क्या, आसान का सवाल था क्या, आसान सवाल था, तो फिर आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था तो। देखिए क्वेश्चन पड़ेगा इस क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन आपका आसान ही है दोस्त, और फिर आंसर करिएगा फटाफट। ठीक, क्वेश्चन में क्या खास बात की जा रही है, क्वेश्चन में बात आपसे की जा रही है 4a रेक्टेंगुलर बीम विथ क्रॉस सेक्शन हैविंग विड्थ बी एंड डेप्थ डी एंड लोडेड एज शोन इन द फिगर। ये लोडिंग डायग्राम आपका ऐसा दिखाया हुआ है, चूज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब ये जो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है तो ये आपका टोमैक्स आपने कुछ पढ़ा था क्या दोस्त, यहाँ पे आपके रेक्टेंगुलर बीम की बात की जा रही है तो उसके केस में 3/2 टो एवरेज कुछ ऐसा ध्यान आया आपको। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये 3/2 टू एवरेज आपका वी अपॉन एरिया, एरिया क्या हो जाएगा मेरा, ये जो मेरा सेक्शन है उसमें विड्थ बी है डेप्थ मेरा डी है, तो वी बाई बी डी ऐसा हो जाएगा करेगा क्या, अरे बात समझ में आएगी नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो टो मैक्स होगा वो मेरा हो जाया करेगा 3P/2BD, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे किस किस का रेशियो पूछा गया है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का। अब ये बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में बात करता हूँ, तो सिग्मा मैक्स मैंने आपको बताया था वो मेरा हुआ करता है MY/I, क्या होता है MY/I। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ये आपका पी है, पी है, अब ये इस सेंटर क्या सिमेट्री है क्या, ये आपका सिमेट्रिकल एक्सिस है, तो सिमेट्रिकल एक्सिस है तो ये जो रिएक्शन होगा, ठीक है, सपोर्ट नंबर ए पर ये पी होगा, सपोर्ट नंबर बी पर भी आपका पी होगा। ठीक, अब ये आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाया करेगा वो क्या बन जाया करेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये पी इंटू ए का और ये पी इंटू ए का, तो जो एम का वैल्यू है वो आपको क्या है, पी इंटू ए है। ये बात समझ में आई कि नहीं है, ये बात आपको सही में आ गई होगी। अब यहाँ पर वैल्यू डालिएगा, सर ये एम का वैल्यू आपने यहाँ पे दिखा दिया, ये रहा, ये पी इंटू ए होगा। अब ये वाई बराबर डी वाई टू रहने वाला है क्या, उसके बाद ये वैल्यू हो जाएगा आई बी डी क्यू बाई टू। ठीक है, अब ये जो सिग्मा मैक्सिमम होगा वो सिग्मा मैक्सिमम में कैसे लिखता हूँ, 6PA/BD² तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड कर लेता हूँ, इक्वेशन सेकंड, अब ये टाउ मैक्स अपॉन सिग्मा मैक्स रहने वाला है, तो देखिए क्या रेशियो आने वाला है, ये जो आपका रेशियो रहने वाला है तो ये D/4 आने वाला है, 4A, क्या आंसर आने वाला है, D/4A। अरे कोई डाउट आ रहा है बताओ जरा, आसान सवाल था क्या, तो ये D/4, ये बाय में, ये डिवाइड में ऐसा हुआ, ये D/4। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट है, बोलो कोई डाउट हो तो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्या, कोई डाउट नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, जब कोई डाउट ही नहीं है तो। क्वेश्चन ध्यान से पड़ेगा, यील्ड स्ट्रेंथ इज, तो जो यील्ड स्ट्रेंथ रहने वाली है, ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करूं आपकी किसके बारे में, ठीक है, अब यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो दोस्त क्या कहानी हुआ करती है, यहाँ पर ऐसा कुछ है। पहले आपका, अगर मैं माइल्ड स्ट्रेंथ के बारे में डायग्राम के बारे में बात करता हूँ, तो कुछ ऐसा जाएगा, ये आपका ऐसा चला जाएगा, ऐसे ही आपका ऐसा चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये आपका क्या रहने वाला है, ये आपका फॉर दिस पॉइंट क्या रहने वाला है, ये आपका इलास्टिक लिमिट रहने वाला है, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा करेगा, ये अपर यील्ड पॉइंट हो जाएगा करेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा करेगा, दैट इज द लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या रहने वाला है सर, ये इसे हम बोला करते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। तो इस लोअर यील्ड पॉइंट तक हम ऐसे स्ट्रेस क्या करते थे, ये पॉइंट क्या रहने वाला है सर, ये हमारा कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट, क्या कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये यील्ड स्ट्रेंथ रहने वाली है वो लोअर यील्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम इसे आपका स्ट्रेस कर दिया करते हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रेस, ये आपका स्ट्रेन। ठीक है, ये आपको क्या कहलाने वाला है, ये हमारा क्या कहलाने वाला है, स्ट्रेन। ये स्ट्रेस डायग्राम, ये स्ट्रेन डायग्राम। अब ये जो स्ट्रेस वाली स्ट्रेन का वेरिएशन है, अब ऑप्शन पढ़िएगा क्या है, तो स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टेन आर्बिट्री प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो प्लास्टिक की बात यहाँ पर चले गई नहीं। ठीक है, इल्डिंग के बाद ये आपका प्लास्टिक जोन यहाँ पर एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, ये तो आपके इल्डिंग स्ट्रेंथ के, ये इसके रेस्पेक्ट में आप जो स्ट्रेंथ ये वाला होगा वो इसके बारे में पूछ रहा है क्या, बात समझ गई, तो यहाँ पे आपके क्या बात होगी। तो ये आपका ऑप्शन अगला पढ़ते चलो, तो यहाँ पे तो फ्रैक्चर की तो कोई बात नहीं आई, ना कोई फटीक की बात आ रही है, तो स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टेन आर्बिट्री इलास्टिक डिफॉर्मेशन, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट है क्या, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सो फॉर दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर। चलेगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ेगा फटाफट फटाफट स्पीड से, ठीक है, क्वेश्चन फटाफट स्पीड से पढ़ेगा और आंसर कीजिएगा, क्या आंसर आ रहा है, अरे आसान सवाल है यार, आसान आसान सवाल है, प्योर टोर्जन ऑफ अ शाफ्ट प्रोड्यूस, ये आपका पीडब्ल्यूडी 2016 में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्योर टोर्जन के बारे में बात करता हूं मैं, अगर तो कुछ मान लो कि एक मेरा ये शाफ्ट है ऐसा ऐसा आएगा, अब मैंने इस पे एक टोक ऐसा अप्लाई कर दिया,
तो ये टोक टी अप्लाई करने की वजह से ये आपका इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर है। अब ये सर्कुलर होने की वजह से क्या होगा इस कंडीशन के लिए, देखिए जरा कि ये आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक। अब अगर मैं इसके स्ट्रेस के बारे में बात करता हूँ, टोर्जन फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्या सर? टोर्जन फॉर्मूला तो हम जानते हैं, हमने सब पढ़ा है, आप सब जानते हैं, क्या पढ़ रहे हो तो जान, सारी की सारी बातें तो आपको पता ही होंगी। बराबर को बाय आर बराबर जी थीटा बाय एल, ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं आपसे, ऐसा रहने वाला है क्या? ठीक, ये क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है आपका शीयर स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस वेरिएशन इन शाफ्ट, शाफ्ट में शीयर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होगा, वो ऐसा होने वाला है क्या? वो ऐसा होने वाला है, बात समझ में कि नहीं आई? तो ऐसा होने वाला है। अब देखिए जरा ऑप्शन, लॉन्गिट्यूडल नॉर्मल स्ट्रेस गलत, ओनली डायरेक्ट डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस की बात चल रही है दोस्त, ये तो आपकी इनडायरेक्ट स्ट्रेस रहने वाली है क्या? बात समझ में नहीं, ये आपकी इनडायरेक्ट स्ट्रेस रहने वाली है। अब सर्कमफेरेंशियल शीयर स्ट्रेस ऑन ए सरफेस एलिमेंट ऑफ शाफ्ट, ठीक है, ये जो यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट यूज होना चाहिए था, बात समझ में नहीं है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब यहाँ पे ये सर्कमफेरेंशियल सर्कमफेरेंस पर रहने वाली है, तो सर्कमफेरेंस पर आपकी मैक्सिमम रहने वाली है, ठीक है। जीरो कहाँ पर होगी? सेंटर पर होगी, और सर्कमफेरेंस पर जाते जाते वो आपकी पेरीफेरी पर, ठीक है, मैक्सिमम एट द पेरीफेरी, क्या लिख सकता हूं मैं इसे, मैक्सिमम एट द पेरीफेरी ऑफ द शाफ्ट, बात समझ गई नहीं? सो फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप सभी को एक बार कमेंट करके बताना है कि सर जो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा उसमें वेरिएशन कैसा होगा, या मैं ही बताऊं? चलो दोस्तों ही बता देते हैं। तो देखो ये हमारा है क्या, देखो ड्राइंग वगैरह राइटिंग वगैरह यहाँ पे हो सकता है थोड़ी अच्छी ना आए, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। अब मान लो इस पे आपने टोक लगा दिया भाई साहब, टी क्या लगा दिया, टी टोक लगा दिया। अब जैसे ही आपने टी टोक लगाया यहाँ पर, तो टी टोक लगाने की वजह से अंदर क्या होगा, ये होने वाला आपका वेरिएशन, बोलो बात समझ में कि नहीं है? तो ये आपका जो होगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जो है, लॉन्गिट्यूडनल साइड है, ये आपका है डी, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये बी, ये क्या है आपका, इसे नाम देता हूं मैं लॉन्गर साइड, क्या हो है ये लॉन्गर साइड है, ये क्या है आपका, ये है शोर्टर साइड, शोर्टर साइड, ये शोर्टर साइड है, ये लॉन्गर, तो लॉन्गर साइड वाले डायरेक्शन में आपको पता लगाना पड़ेगा, बात समझ में कि नहीं है? तो इस तरीके से हम काम कर लिया करेंगे। ये टी क्या है आपका, दैट इज द टोर्क अप्लाइड। आगे बढ़ते हैं, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, होप सो आप सभी को मजा आ रहा होगा, ठीक है, मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना भाई साहब, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपकी जो आज की क्लास थी वो कैसी लगी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ेगा ध्यान से, सिलेक्ट द करेक्ट एजम्पशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ये यहाँ पर डीएमआरसी जी 2020 में आया है, ये जो आपका हुआ था 19 फरवरी को पेपर हुआ था, ठीक है, 2020 में, तो 19 तारीख का मेरे ध्यान आई है, 19 तारीख का पेपर था ये, तो उसमें आपका एक क्वेश्चन आया है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्त सबसे पहले आपने क्या बात की गई थी, सबसे पहले एक आए थे यूलर्स भाई साहब, ठीक है, उससे पहले आपके रिनोल्ड्स भाई साहब भी आए थे, नेवेस्ट्रो भाई साहब भी आए थे, ठीक है, उसके बाद सबके ऊपर मॉडिफिकेशन होते होते आखिरी में रह गए यूलर्स भाई साहब, ठीक है। तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया, उसमें केवल दो बातें कंसीडर करी, क्या क्या, ये तो ग्रेविटी फोर्स को कंसीडर करा एंड प्रेशर फोर्स को कंसीडर करा,
उसके ऊपर भी उन्होंने ये बोला कि अगर भाई साहब ये जो बर्नौली क्वेश्चन है ठीक है, अब बर्नौली भाई साहब ने क्या बोला कि आपको कुछ बात ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले जो मैं ना फ्लो मानूंगा, देखिए बर्नौली भाई साहब की बातें सुनिए, इन्होंने ये बोला जो मैं फ्लो मानूंगा उसे मैं क्या मानूंगा, एक तो मैं उसे स्टडी फ्लो मानूंगा, क्या क्या मानूंगा, स्टडी फ्लो मानूंगा और अलोंग ए वन स्ट्रीम लाइन, सिंगल स्ट्रीम लाइन के अलोंग मैं माना करूंगा ठीक है, अलोंग ए वन स्ट्रीम लाइन, अलोंग ए वन स्ट्रीम लाइन माना करेंगे ठीक है। फ्लो मेरा इरोटेशनल एंड इनकम्प्रेसिबल होगा ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा प्रोवाइड लग रहा है। वैसे भी आप वैसे भी काट काट कर सकते हो भाई, यू नॉन यूनिफॉर्म और अनस्टडी, तो ऑप्शन वैसे गलत हो गया। अब देखो आगे, स्टडी यूनिफॉर्म इरोटेशन लेन कंप्रेसिबल की बात चल रही है, अब इनकम्प्रेसिबल की, ये आंसर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अरे कोई डाउट है, महाआसान सवाल था ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। नेवर स्ट्रोक ने आपका विस्कोसिटी का इफेक्ट कंसिडर किया था, ये बात आपको पता है ठीक है। नेवर स्ट्रोक भाई साहब ने आपका जो विस्कोसिटी का इफेक्ट था उसे कंसीडर किया था ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, इसका आंसर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, तो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी, क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, ये आपका डीएमआरसी जेई 2020 19 फरवरी का पेपर था, उसी का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे ठीक है। इफ द शियर स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड दैट इज 400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर देन द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर 40 mm वुड बी, तो दोस्त यहां पर आपको बताया था फ्रॉम टोर्सनल फॉर्मूला की हेल्प से क्या होता है, टी अपॉन आई पी बराबर टो बाय आर बराबर जी थीटा बाय एल, ऐसा रहने वाला है, ये क्या रहने वाला है आपका, डेट इज द टोर्सनल फॉर्मूला रहने वाला है। उसके बाद अब अगर मैं यहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बारे में बात करता हूं तो आपका कहां सो ये आपका बन गया कैसा करते हैं सर ठीक है, तो ये मान लो ये आपका सर्कुलर शाफ्ट है, इसकी पेरिफेरी पर आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको अभी ठीक है, ऐसा ये सेंटर है, थोड़ा नीचे चला गया, बोल चोक माफ ठीक है, लिखने में अगर कोई दिक्कत हो मतलब राइटिंग साफ नहीं आती है या जैसे यहाँ ये सेंटर थोड़ी लग रहा है, पर ये सेंटर ही मान लो बात समझ नहीं है तो उसे ध्यान मत देना, मैंने तो कोई स्टूडेंट बोले सर वो सेंटर ही नहीं लग रहा था, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, पर चलो 16 t अपॉन पाई डी क्यू ठीक है, ये आपका आंसर आना, ये आपका यहाँ से निकल के आने वाला है ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालता हूँ, ये आपका दिया हुआ है टो में दिया हुआ है क्या, कितना न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं आपका यहाँ पर डाल देता हूँ ये 416 t अपॉन पाई, ये इसे मैं आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 4 3, क्या हो जाएगा 4 3, तो यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा टी का वो मेरा हो जाएगा करेगा टी विल बी इक्वल टू 16 π × 10⁻²। न्यूटन सेंटीमीटर ठीक है, न्यूटन सेंटीमीटर, तो ये जो टी होगा वो क्या हो जाएगा करेगा 16 π न्यूटन मीटर, ऐसा हो जाएगा क्या, अरे बस आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, पता कुछ कैलकुलेशन किया मैंने, कुछ भी नहीं किया ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है ना किसी को बताओ जरा, कोई डाउट नहीं है सर, सब चीजें हमारी पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई क्यों नहीं होगी यार, आप जब दिन रात मेहनत करते हो तो पढ़ा हुआ क्यों नहीं होगा ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ेगा फटाफट, क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है ठीक है, तो क्वेश्चन में बात की जा रही है ए, अब देखो ये जो पीपीटी वगैरह है जो भी चीजें हैं जैसे मिशन ने कहा क्लास ली ठीक है, तो ये सब चीजें हम अपने आप तैयार कर रहे हैं, बात में नहीं आई तो यार थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए अब थोड़ा करेंगे और ज्यादा ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, रोक नहीं पाएगा कोरोना पढ़ाई करने से ठीक है। चलो बात करते हैं, ए क्यूब हैज अ साइड ऑफ लेंथ इक्वल टू ए ठीक है, साइड लेंथ दिया हुआ ए एंड ए सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट स्ट्रेस इन ऑल थ्री साइड, डायरेक्ट स्ट्रेस इन ऑल थ्री साइड देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, महा आसान सवाल दोस्त, जब यहाँ पे आपको क्यूब की बात चल रही है और उसकी सारी साइड साइड आपकी ए है ठीक है, जब सारी की सारी साइड ए है तो जो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला याद करो सर, वो हम ऐसा लिखा करते थे कि
एप्सिलॉन वी से रिप्रेजेंट करते थे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, किससे रिप्रेजेंट करते थे एप्सिलॉन वी से, वो एप्सिलॉन वी बराबर होता था क्या किसके, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड की। जब यहाँ पे क्यूब की बात चल रही है, क्यूब की बात चल रही है तो दोस्त यहाँ पे तो आपका एप्सिलॉन एक्स बराबर एप्सिलॉन वाई बराबर एप्सिलॉन जेड होगा क्या भाई, मान लो ये आपका क्यूब है ऐसा, ठीक है ये आपका क्यूब है, अब ये भी ए ठीक है और ये भी ए ठीक है, ये भी ए ठीक, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्यूब है एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड आपका बराबर होगा, तीनों आपका बराबर होगा, तो मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि एप्सिलॉन वाई वी जो होगा वो थ्री एप्सिलॉन एक्स ऐसा हो जाएगा करेगा क्या, ठीक तो थ्री टाइम ऑफ एक्स डायरेक्शन लीनियर स्ट्रेन बात में कि नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या रहने वाला है, तो ये जो लीनियर स्ट्रेस वाला टर्म तो वहां पर यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के ऊपर बातचीत चल रही है, अरे कोई डाउट किसी को बताओ जरा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा करेगा ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सो फॉर दिस क्वेश्चन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो एक फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन वी बात चली गई है तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड एंड वन माइनस के टू म्यू बाई, ये फॉर्मूला भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो फॉर दिस क्वेश्चन ए इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट है। देखो एक बार अब ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, अब आपको क्या काम करना है, आपको ये बताना है कमेंट करके सर क्लास हमारी कैसी लगी, क्या अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्त वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर तो कर देना यार, ठीक है तो ये सारी सारी बातें हैं, और अगली क्लास में और ज्यादा कुछ अच्छी चीजें आप सभी के लिए लेकर के आऊंगा, कोशिश करूंगा और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँ जो करंट एग्जाम में चल रहे हैं, ठीक है और पढ़ाई अच्छे से आपको करते रहना है, मेहनत आपको अच्छे से करते रहनी है, और अपना ऐसा नहीं है कि सर आराम से भी चल रहा है ठीक है, चल रहा नहीं है, एग्जाम जब होना हुआ हो जाएगा, आप अपनी पढ़ाई कंट्रोल करते रहिएगा, इन सब बातों के साथ अपना साथ में ध्यान भी रखना है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, ठीक है अब ध्यान अपना रखना है, अपने आस पड़ोस में थोड़ा ध्यान रखना है, लोगों का भी मतलब थोड़ा अवेयर करना है, तो इन सब बातों के साथ आप सभी को जय हिंद जय भारत, ठीक है मिलते हैं फिर आपका कल वाली क्लास में, बाय आप सभी को बाय।